हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आपका रसोई घर। आज मैं अपने रसोई में आपके साथ दलिया की खीर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे आप इस कोरोना काल में जरूर बनाएं और अपने साथ अपनों को जरूर खिलाएं। इस रेसिपी से इम्यूनिटी पावर तो बढ़ता ही है, साथ ही अगर किसी को कोरोना हुआ हो और उसे कमजोरी और वीकनेस महसूस हो रहा हो तो उसे आप इस रेसिपी को 10 दिन तक लगातार सेवन करवाएं और फ़ायदा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। इसके लिए मैंने 100 ग्राम यहाँ पे दलिया लिया है, ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये दिखता है। और 1 kg मैंने फुल क्रीम दूध लिया है। गैस ऑन करेंगे और एक पैन लेंगे और उसमें 1 kg दूध को डाल देंगे। यहाँ पे मैंने दूध को पहले से उबाल के रखा था, इसलिए इस पर काफ़ी सारा मलाई जम गया था, तो उसे भी हम इसमें डाल देंगे। और उबले हुए दूध में हम फिर से 1 उबाल आने देंगे। जब तक दूध में उबाल आ रहा है तब तक हम दलिया को 5-6 पानी अच्छे से धो के रख लेंगे। इस दलिया को आप 6 महीना से ऊपर वाले बच्चों को भी दे सकते हैं, वह बहुत पसंद से खाएँगे। जब हम बच्चों का आहार स्टार्ट करते हैं उस टाइम से आप इसे भी बना करके उसे दे सकते हैं। ये देखिए दूध में 1 उबाल आ गया है, तो अब हमने जो दलिया को धो के रखा था उसे हम इसमें डाल देंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और इसे हम 15 मिनट तक बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। इससे क्या होगा कि दलिया जो है वो दूध में अच्छे से पक भी जाएगा और दूध जो है वो गाढ़ा हो जाएगा। और 2 छोटी इलायची को कूट के डाल देंगे, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है दलिया में। ये देखिए 15 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने दलिया को काफ़ी अच्छे से पकाया है। ये देखिए दूध भी काफ़ी गाढ़ा हो गया है और दलिया भी पक गया है। तो अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या मीठा इसे बना सकते हैं। यहाँ पे मैं 3 से 4 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। और चीनी डालने के बाद से गैस का फ्लेम हम हाई करेंगे और इसे 2 मिनट तक और पकने देंगे, ताकि चीनी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा दूध में। 2 मिनट के बाद हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और ये देखिए हमारा इम्यूनिटी से भरा हुआ दलिया बनके रेडी है। तो इस कोरोना काल में आप इसे, अगर कोरोना पेशेंट है तो उसे ज़रूर बना के दें, और नहीं है तो भी आप इसे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए डेली बना करके खा सकते हैं। इसे आप डिज़र्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा बनता है। तो अगर रेसिपी आपको पसंद आए तो रेसिपी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।